मोहम्मद फैसल शिराज। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह की मेहरबानी से ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने मोबाइल पर जो आप पहले वीडियो बनाते हैं तो 3D आता है हमारा, हमारी वीडियो का जो मैं आपको दिखाता हूँ गैलरी में से, उसी तरह का आप कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी जरूर कर लेना, शेयर कर लेना। और ये देखें इस तरह से हमारी वीडियो घूम के आएगी, ये देखें ना हम जैसे कि मेरे चैनल। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि मैं नया नया चैनल बनाया और मुझे अपने 3D लोगो लगानी है, तो मुझे वो कैसे लगानी है, तो मैं इस तरह का आपको बना के दिखाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी जरूर करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हमने यहाँ पर सर्चिंग बार में जाना है और यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखें यहाँ पर काफ़ी सारे आ गए हैं टाइप के, तो इनमें से मैंने देख के एक को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये रहा, ये थोड़ा सा आगे करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से थोड़ा सा आपने रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे कि हमारा ये आ रहा है, ये यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लेना है, देखेंगे जैसे धुआं हो गया, इसी तरह से हमने इधर रिकॉर्ड कर लेना है, इसी तरह का मैं एक रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने चले आना, हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और उस ऐप का नाम है, एक काइनमास्टर है और दूसरा भी हमारे पास एक ऐप है, उसका नाम है 3D फोटो क्यूब लाइव वल्पर्स। ये आपने इस यहाँ से कर लेना है, यहाँ से आपने प्ले स्टोर से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको सचिन ग्राम में जाकर दिखाता हूँ, फोटो क्यूब आपने लिखा है और ये देख, ये हम, ये हमारा आ गया। तो ये देखें आप देख लें किसी दोस्त का मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने कहा था आप मुझे ये बना के दिखाएं, मैं अपने चैनल पर लगाना चाहता हूँ। तो ये देखें मेरा इंस्टॉल हुआ हुआ काइंडली, तो आप यहाँ से इंस्टॉल करने पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी काइनमास्टर की, तो हम काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं अपने और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा काइनमास्टर ओपन हो चुका है, हमने न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट खुल गया, हमें इसके ऊपर क्लिक कर लेना है एक बार और हमने इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपने इसको खोलना है और यहाँ पर ये ब्लैक लगाना है, ब्लैक लगाने के बाद आपने इसको यही रहने देना है और फिर से जाना है लेयर पर, वीडियो पर जाना है, फिर से आपने ब्लैक लगा लेना है और ब्लैक को आपने इतना ही साइज करना है, सॉरी ये यहाँ पर आके हमने इतना ही इसको बड़ा कर देना है। अब यहाँ पे हमने जाना है, यहाँ पे आप कोई भी अपनी पसंद का कलर लगा सकते हैं, मैंने रेड लगाया, तो यहाँ पे फिर से ब्लैक जाना है, फिर से लेयर पर जाना है, वीडियो पर जाना है और फिर से हमने वही वाली पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको रख के ना यहाँ पर ऐसे इसको बड़ा कर दोगे, बड़ा सिर्फ आपने थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा बड़ा आपने नहीं करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना सा छोटा कर लेते हैं हम। छोटा करने के बाद आपने इसको क्रॉपिंग पे जाना है, क्रॉप कर लेना है, क्रॉप हमने इस तरह से करना है, कुछ इस तरह से कर लेना है, इस तरह से हमने क्रॉप कर लेना है इसको, इतना सा करीबन आधा सा क्रॉप कर लेना है और इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अच्छा फिर इसके बाद हमने फिर से लेयर पर, फिर से मीडिया पर, आपने हमारी वीडियो को कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना, आप स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि हमने क्या कुछ किया है इस वीडियो में सीखा है। तो हमने फिर से इधर इतना ही कर लेना है और फिर से हमने क्रॉपिंग पर जाना है और इसको ऐसे यहाँ इस तरह से क्रॉप कर लेना है जितना कि हमने उसको किया था, फिर इसको हमने इसको इधर बैक कर देना और फिर से इसको हमें इधर नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद थोड़ी मैं एक आपको चीज़ बताना भूल गया था, हमें इसको ऊपर रख के ना यहाँ पर फिर से हमें क्रॉपिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉपिंग में जाके हमने इसको थोड़ा सीधा वगैरह करना है, थोड़ा सा इधर कर देना है जितना आपसे हो सके, आपने इधर कर लेना और इसको नीचे उतार लेना है। अब इसको आपने नीचे कर लेना है, नीचे करने के बाद आपने इधर छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ने के बाद आपने ये देखिए हमारा बिल्कुल सेटअप में आ चुका है। तो इसको आप क्रॉपिंग में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आपके यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद मैं आपको अब एक और चीज़ बता दूँ, इसको हमने यहीं पर ही छोड़ देना है, यहीं बचने के बाद यहीं बचने के बाद हमने वो ऐप खोलना है जो हमारा ऐप है, इसको खोलने के बाद हमने स्टार्ट कर देना है, नीचे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और हमने इसको सेटिंग में जाना है, सेटिंग क्योंकि इसके हमने यहाँ पे इसको मीडियम पर स्पिन और नो करना है, आपका इस पर यस होगा और इधर फ्री या नो होगा, आप स्पिन और यहाँ पर नो करके ठीक है तो सेट वाल पर कर देना है। सेट वाल पर करने के बाद ये देखिए मेरी एक तस्वीर पहले से ही मौजूद लगी हुई है, आपने यहाँ पर जाना है, सेलेक्ट बैकग्राउंड करना है, सेलेक्ट बैकग्राउंड करने के बाद आपने कोई भी तस्वीर डाउनलोड या चेंज कर लेनी है, मेरे पास ये है पड़ी तो मैंने इसको अप्ले ही कर दे के ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमने बैक जाना है, बैक जाने के बाद हमने चेंज फोटो पर जाना है, ये हमारे पास 6 हैं, 6 में से हमने ये हमारा डाउन हो गया, इधर से आप
आपने, मैं आपको अब डेलकाइनर्स में जाके बताता हूँ। तो इधर आ जाना, आपने आपने लेयर पर आना है और टेक्स्ट पर आ जाना है। हम धीरे धीरे सारा काम ही करते रहेंगे। जैसे कि अब मिसाल के तौर पर आपके चैनल का नाम कोई बड़ा नाम है, जैसे कि दो नाम है। अब मैं यहाँ पर मैं अपना चैनल का नाम ही लिखूँगा। पहले सबसे पहले मैं लिखूँगा माई चैनल, क्योंकि मेरा चैनल तो इसलिए मुझे माई चैनल लिखना है। माई चैनल लिख के हमने यहाँ पर इसको इधर रख के इस जगह पर इसको हमने जितना हो सके हमने बड़ा कर लेना है। बड़ा करके इधर रख देना है और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा इधर नीचे कर लेते हैं। एडिट पे जाना है, सॉरी ये फ़ॉन्ट पे जाना है। आपने जो भी आपको पसंद हो फ़ॉन्ट, आपने वो फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। तो मैं ये वाला कर लूँ करूँ, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने इधर कलर पे जाना है और इसका कलर आपने ब्लैक रखना है। ब्लैक कलर अच्छा लगेगा। मैं इसका कलर भी आप चेंज कर लें। इसका कलर आप चेंज यूँ करेंगे कि इसका ग्रीन रख लें। जो भी आपको पसंद आए आप वही रख लें। मिसाल के तौर पर मैं रख रहा हूँ, मैं ये वाला रखता हूँ, ये वाला काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपने इसका भी कलर आपने चेंज कर लेना है। ये कलर मैं रखता हूँ। तो फिलहाल आप जो भी रखना है आप अपनी पसंद का ही रखें। आप जो रखेंगे आपको वो ही अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज रख रहा हूँ। ऑरेंज के बाद रखने के बाद फिर हमने टेक्स्ट पर जाना है और अपने ही चैनल का नाम लिखना है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है हम तीन भाई, ये मैं लिख के इसको यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर रखने के बाद इसको फुल साइज़ में बड़ा कर दिया। बड़ा इतना बड़ा हो गया मेरा। अब हमने इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। इसका भी मैं वही लगाऊंगा जो मैंने पहले का लगाया था। आप अपनी पसंद का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये लगाया और इसको टिक कर दिया। ये हमारा फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। तो ये देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह से आपने इसको बना लेना है और बनाने के बाद आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। ये देखिए मैंने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया। यहाँ पर ऐड हो गया, इसको ऐड को कटा कर देते हैं। अच्छा फिर आपने यहाँ चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने फिर से वही चीज़ खोलनी है। ये खोलने के बाद आपने इधर आ जाना है, गैलरी में चले जाना है और हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था ना, आपने उस स्क्रीनशॉट को पिक कर देना। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया। सॉरी, उससे पहले हमें गैलरी में जाना पड़ेगा। गैलरी में जाने के बाद हमें जाना है, यहाँ पर जाना है स्क्रीनशॉट में। स्क्रीनशॉट हमारा ये रहा, हमारा स्क्रीनशॉट जो है ना वो हमने पिक कर देना है। जैसे कि ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट और हमने इसको एडिट करना है और क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करना हमें इतना है, ज़्यादा क्रॉप नहीं करना, हमने इतना कर लेना है। इतना करने के बाद हमने टिक कर देना। ओके ओके हो गया जी, हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। और अब थोड़ा सा काम बाकी है दोस्तों। हमने यहाँ पे जाके इसको सॉरी कट करके इधर इसको टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे तो इसको फुल बड़ा कर लेना है। फुल बड़ा करने के बाद आपने डन कर देना है। और इसको इस पर भी आपने वही तरीका अपनाना है, इसको फुल बड़ा करना है। डन। भी आप इधर अपनी तस्वीर लगानी, इधर इसकी लगा लें। ये लगाने के बाद आपने इधर चले जाना है। फिर आपने सेट वॉल पर भी जाना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये फ्रेम चेंज फ्रेम पे जाना है। यहाँ पे आप कोई भी फ्रेम लगा सकते हैं अपनी पसंद की, अपनी जो आपको अच्छी लगे आप वही लगा लें। तो मेरी तस्वीर पूरी नहीं आई थी इसलिए मैंने ये लगा लिया। इसको आपने सेट वॉल पर कर देना है। ये हमारा देखिए कितना खूबसूरत होकर बन के तैयार हो चुका है। तो आप मैं आपको बता दूं कि आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। जितना भी आपके पास है ना आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने बस इसको यहीं पर ही छोड़ देना है। आपने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। मैं इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने इसको बैक कर लेना है और इसको जो भी था हमारा इसमें हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने बैक जाना है, बैक चले जाना है। और यहाँ पर आके हमने जाना, हमने इधर जाके ग्रीन कैम ये जो हमारे पास था ना हमने इसको ये कर लेना है। ये हमारा ट्रांसकोडिंग हो रहा है, तो ये हमारा कंप्लीट भी हो चुका है ट्रांसकोडिंग। तो हमने यहाँ पर चले जाना है। ये देखिए हमारा ये रहा। तो हमने यहाँ पर आके इसको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर छोड़ दिया। और हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके हमने यहाँ पर आपने यहाँ पे लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपने यहाँ पर खोलना है एक्स रिकॉर्डर। तो ये देखिए हमारी ये रही वो जो हमने इसको खोली थी। ठीक है, तो हमने यहाँ से बाकी जो है ना हमारा ये कट कर देना है। और ये जो है इसको हमने इसका क्रॉप कर लेना है। क्रॉपिंग का ऑप्शन आ चुका है, इसको हमने क्रॉप करना है। ये देखें, ये ऐसे क्रॉप करना है। ये देखें, इसको इधर कर लेना है, हमने इसको इधर कर लेना है। फिर हमने इसको इधर कर लेना है, इसको इधर कर लेना है। इधर करने के बाद हमने इसको टिक कर देना है। टिक कर देना हमने इस तरह से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, टिक करने के बाद आपने इसको बड़ा कर लेना है। यहाँ पे आपने बड़ा कर लेना है इसको। और यहाँ पे आपने इसका मिक्सर जो है ये बंद कर देना है।
बिल्कुल भी मिक्सर नहीं होना चाहिए। तो आपने क्रोमा की पर जाना है और यहाँ पे इसको इनेबल करके इसकी थोड़ी सेटिंग लगा देनी है आपने, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल सेटअप में होना चाहिए हमारा, कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये ग्रीन स्क्रीन थी पीछे। तो हमने ये लगा लिया और ये देखें हमारा यहीं पर, पहले हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर कर लेना है, इधर करने के ये देखिए अभी भी हमें थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। इसके जो हम हमारा मिक्सर है इसको भी हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद यहाँ पर हमने इसको जो है ना इसके ऊपर क्लिक करना है और की पर चले जाना है। यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है, नहीं हमने पहले छोटा किया हुआ था, पहले हमने इसको छोटा कर लेना है, फिर से हमें थोड़ा सा आगे जाना है इसको, फिर हमें थोड़ा खोल लेना है, फिर थोड़ा आगे जाके फिर ज़्यादा खोल लेना है, फिर यहाँ पर जाके फिर खोल लेना, फिर हमने थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाके फिर हमने इसको यहाँ पर खोल के रख लेना है ये ऐसे, फिर आपने यहाँ पर कर लेना है। और ये जो है ना हमारा इसको आपने यहीं पर ही कट कर देना है पीछे से साइड से। ये कट करने के बाद अब मैं आप कुछ आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह से हो गया हमारा बन के तैयार हो गया। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अजीज़ लग रहा है। और इसको हमने अब इसको 720 पे करके इसको हमने एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा हो ही गया। फिर मैं आपको तरीका लगाने का रहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे लगाना है। न्यू प्रोजेक्ट खोलना है, क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपने ये देखिए, आप कोई भी, मेरे पास कोई है तो नहीं वैसे, आप कोई भी यहाँ से जाके ना डाउनलोड से जाके कोई भी आप कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ से, जैसे कि मैं इसने एक लगा देता हूँ बस आपको समझाने के लिए, आप इस तरह से कोई भी लगा दें। ये रहा हमारा, ये यहाँ पर हमने शुरू में आ जाना है इसके, हमें बिल्कुल शुरू में आके ना लेयर खोल के, मीडिया खोल के, काइन मास्टर खोल के, हमारा वही जो रहा है ना उसको हमने यहाँ पर लगा देना है, इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। फुल स्क्रीन पे करने के बाद हमने, अच्छा यहाँ पे हमने इसको करके ना फिर हमने थोड़ा सा इसको आगे कर लेना है। तो ये देखें हमारा इस तरह से कुछ है। आगे हमारे लगा के अपलोड कर लेना है। तो हमारी वीडियो दोस्तों यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना है, आपने दोस्तों शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखें।